क्या आपके स्मार्टफोन का भी कवर पीला हो जाता है? लेकिन स्मार्टफोन का कवर पीला क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी बाइक के हैंडल पर बने इस एक्स्ट्रा पार्ट को नोटिस किया है? आखिर बाइक पर बने इस एक्स्ट्रा पार्ट का क्या यूज होता है? आखिर ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनीज फोन से 3.5 mm जैक क्यों हटाती जा रही है? क्या आपको पता है रोड पर लगे इन अलग अलग कलर्स के पत्थर्स का अलग अलग मतलब होता है? लेकिन क्या मतलब होता है? सभी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 10। लाइफ में कभी ना कभी तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि आखिर बिजली के तार पर बैठे पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि बिजली से चलने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दो तार लगे होते हैं। उन दोनों तारों में एक तार करंट का होता है और दूसरे तार में ग्राउंड यानी अर्थ होता है, जिसे हम प्लस और माइनस भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक का ये नियम पंछियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि पंछी हमेशा एक ही तार पर बैठते हैं। बस इसीलिए तार पर बैठे पंछियों को करंट नहीं लगता है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि पक्षी को करंट लगा और तार से नीचे गिर गया और उसकी मौत भी हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी पक्षी तार पर जब बैठने वाले होते हैं तो कभी कभी पक्षी के पंख दूसरे तार से भी टच हो जाते हैं, या फिर अगर बारिश की वजह से तारों पर नमी हो जाती है, या फिर पक्षी पानी में नहाकर आ रहा है तो तार पर बैठने पर पक्षियों का शरीर दूसरे तार से करंट को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से कुछ पक्षियों के साथ हादसा हो जाता है। फैक्ट नंबर 9। अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं, तो आपको शायद क्रिकेट का ये नियम नहीं पता होगा कि अगर कोई भी फील्डर पिच के पास फील्डिंग कर रहा है और उस खिलाड़ी के शरीर की शैडो पिच पर पड़ रही है, तो वो फील्डर जब तक खुद को नहीं हिला सकता है जब तक कि बैट्समैन गेंद को खेल ना ले। मतलब ये है कि बॉलर जब बैट्समैन को बॉल डाल देगा और जब बैट्समैन बॉल को बल्ले से मार नहीं देता, तब तक पिच के पास खड़ा फील्डर बिल्कुल भी अपने शरीर को नहीं हिला सकता है। ऐसा इसलिए अगर फील्डर बॉलिंग के समय खुद को हिला देगा तो उसके साथ ही उसकी शैडो भी पिच पर हिलने लगेगी, जिसकी वजह से बैट्समैन को बॉल को समझने में परेशानी होगी और बैट्समैन आउट भी हो सकता है। बस इसीलिए क्रिकेट में ये भी नियम रखा गया है। फैक्ट नंबर 8। इस धरती पर मौजूद हर एक जीव जंतु, हर एक इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत 24 घंटे में हर एक पल जरूरत होती है। लेकिन क्या होगा अगर किसी वजह से इस पृथ्वी से सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए? आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ उन 5 सेकंड में इस पृथ्वी पर क्या हो सकता है। चलिए बताते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन इस पृथ्वी से गायब होगी तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर ओजोन लेयर पर ही ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स यानी अणु मौजूद होते हैं और यही लेयर हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। बिना ओजोन लेयर से धरती पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसानों की स्किन अपने आप ही जलने लगेगी और ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमें आसमान नीले कलर की जगह दिन में भी काला दिखाई देगा। ऑक्सीजन हमारे कान और के प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखती है, लेकिन ऑक्सीजन ना होने पर हमारे आसपास का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कान के अंदरूनी हिस्से भी फट जाएंगे और हमारे शरीर में मौजूद जीवित कोशिकाओं में भी बिना ऑक्सीजन के सिर्फ हाइड्रोजन ही रहेगी, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाएं भी फट जाएंगी। ऑक्सीजन ना होने की वजह से धरती अपनी सतह से लगभग 10 से 12 किलोमीटर नीचे खिसक जाएगी, जिसकी वजह से सीमेंट और कंक्रीट से बने घर और बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ 5 सेकंड ऑक्सीजन ना होने पर हमारी पृथ्वी पर बहुत भयानक मंजर शुरू हो जाएगा और 5 सेकंड बाद ऑक्सीजन वापस आने पर भी ये भयानक मंजर नहीं रुकेगा। फैक्ट नंबर 7। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनीज फोन से 3.5 mm जैक हटाती जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले एप्पल, मोटो और एसटीसी जैसी कंपनियों ने 3.5 mm जैक को गायब किया। उसके बाद सभी कंपनीज अपने अपने स्मार्टफोन को सबसे ज्यादा स्लिम करने के लिए स्मार्टफोन बनाने में लगी हुई है। हालांकि इस जैक को हटाने से सिर्फ 1 से 2 mm का ही फर्क पड़ता है, लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि सभी कंपनीज अपने फोन्स में USB टाइप सी को शामिल करती जा रही हैं। USB टाइप सी से ट्रांसमिशन और डिजिटल सिग्नल का कन्वर्जन होता है, जिसके कारण हेडफोन जैक के मुकाबले टाइप सी की भी ऑडियो क्वालिटी बेहतर होती है। बस इसीलिए कंपनी ने हेडफोन जैक को गायब कर दिया है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है एक इंसान जब भी कोई नॉर्मल एक्सरे कराता है तो एक्सरे कराने पर शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है और उस शरीर के नुकसान को बॉडी 1 साल में रिकवर कर पाती है। एक्सरे कराने से शरीर में गंजापन, मोतियाबिंद और त्वचा के सूख जाने जैसे कई साइड इफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको कभी भी एक्सरे ना कराना पड़े। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपके स्मार्टफोन का भी कवर पीला हो जाता है? लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए बताते हैं। स्मार्टफोन का कवर पीला होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। ज्यादातर कवर सूरज से निकलने वाली गर्मी और रोशनी के कारण पीले हो जाते हैं, क्योंकि सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है और इस रेडिएशन को आपके स्मार्टफोन का कवर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा फोन तो हमेशा घर में ही रहता है, फिर भी वो पीला क्यों पड़ जाता है, चलिए इसे भी बताते हैं। जब आप खाना खा रहे होते हैं और उस समय किसी का कॉल आ जाता है, तब ज्यादातर लोग उन्हीं हाथों से फोन को पकड़ लेते हैं, जिससे हाथों में लगा ऑयल फोन के कवर पर लग जाता है और कवर उस ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है। बस यही कारण है कि आपके फोन का कवर पीला हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने कार के मिरर पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये टेक्स्ट लाइन मिरर पर क्यों लिखी जाती है? चलिए बताते हैं। दरअसल ये टेक्स्ट लाइन वार्निंग लाइन होती है। इसका मतलब होता है कि इस शीशे में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब असल में आपकी कार से उतना दूर नहीं है जितना कि आप इस मिरर में देख रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप किसी वाहन को अपने कार के साइड मिरर में देखते हैं तो वो वाहन आपको दूर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उस वाहन को खुद मुड़कर पीछे देखते हैं तो वो वाहन आपको उस मिरर के अकॉर्डिंग पास दिखाई देगा और आप साइड मिरर में देखकर कहीं गलती ना कर दें। बस इसीलिए कार के मिरर पर ये वार्निंग लाइन लिखी होती है। फैक्ट नंबर 3, पहले आप इस फोटो को देखिए, देखने में आपको ये कोई डॉग या फिर वोल्फ लग रहा होगा। दरअसल ये फोटो तस्मानिया टाइगर की है। तस्मानिया टाइगर साल 1950 में ही शिकार होने की वजह से विलुप्त हो गए थे। इन टाइगर्स का जबड़ा 120 डिग्री तक खुल जाता था, लेकिन इंसानों की क्रूरता ने इनका नामो निशान ही मिटा दिया और आज ये सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 2, बाइक के हैंडल पर बना ये एक्स्ट्रा पार्ट डिजाइन के लिए नहीं होता है, दरअसल ये एक अलग ही मैकेनिज्म पर काम करता है। इस पार्ट को वार एंड वेट कहते हैं। ये इंजन के द्वारा निकलने वाले वाइब्रेशन को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है और वाइब्रेशन को खुद से बाहर निकाल देता है, जिससे कि हमें बाइक के हैंडल पर वाइब्रेशन फील ना हो और बाइक स्मूथ चलती रहे। ये पार्ट बाइक के हैंडल को बैलेंस करने में भी काफी मदद करता है और जब भी बाइक जमीन पर गिरती है तो इसी पार्ट की वजह से हैंडल को कम से कम झटका महसूस होता है और बाइक में भी बहुत कम नुकसान होता है। बस इसीलिए इस पार्ट को हैंडल पर बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 1, सफर के दौरान आपने रोड पर लगे इन माइल्स पत्थरों को देखा होगा, लेकिन इन पत्थरों के ऊपर कहीं पीले, हरे, नीले या फिर लाल कलर के पेंट होता है। आखिर इन अलग अलग कलर्स के पेंट का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं। अगर आपको पीले रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब आप नेशनल हाईवे पर या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर कर रहे हैं, और अगर आपको हरे रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब आप किसी रियासत के स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं, और सफर के दौरान नीले रंग का पत्थर दिखने का मतलब होता है कि आप किसी बड़े शहर या फिर जिले में सफर कर रहे हैं, और लाल रंग के पत्थर का मतलब कि आप किसी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। बस इसीलिए रोड के किनारे लगे इन पत्थरों पर अलग अलग कलर किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।